बारे में देखेंगे, तो सभी छात्र ध्यान से देखें। हमको दो बिंदु दिए हुए हैं, ए और बी। यह बिंदु दिया हुआ ए और यह बिंदु दिया बी। इन दोनों के बीच में मान लेते हैं एक बिंदु P दिया हुआ है। यहां दिख रहा है P। यह P बिंदु A और B को, आप देखेंगे यह बिंदु A है और यह बिंदु P है, और बिंदु P जो है इसको M1 अनुपात M2 में डिवाइड कर रहा है। तो P के निर्देशांक क्या होंगे? तो यहां अगर A के निर्देशांक है x1 y1 और b के निर्देशांक है x2 y2, तो p के निर्देशांक क्या होंगे? यह होंगे। तो इस फार्मूले को बच्चे नोट कर ले, इस फार्मूले को विभाजन सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका यूज करके हम क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 7.2, इसका क्वेश्चन नंबर वन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु दिए हुए आपको, एक ए बिंदु दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस वन एंड सेवन, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं फोर माइनस थ्री, और यह बिंदु मान लो पी है, यह किस अनुपात में दिया हुआ? 2:3 में। तो हमको बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएंगे? अब वो डिवीजन फार्मूला हमने आपको बताया है, अब उसको यूज करेंगे। 2 × 4, इस 2 का x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 × −1 अपॉन 2 + 3। सेकंड होगा 2 × −3 प्लस 3 × 7 अपॉन 2 + 3। इसके अब इसको हम सिंपल कर लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 2 × 8 − 3 अपॉन 5, और यहां हो जाएगा आपका −6 + 21 अपॉन 5। इसको हम सिंपल करते हैं तो यह हो जाएगा 5/5, और यह हो जाएगा 15/5, 1 और 3, यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको दो बिंदु दिए हैं, उसको समत्रिभुज विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहां देखें सभी छात्र, हमको जैसे एक सरल रेखा दी है, यह रेखा है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 − 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं −2 − 3। इसके तीन समान भाग करना है। तो इसका मान लो कोऑर्डिनेट है P और इसके है कोऑर्डिनेट Q। तो हम ये देखते हैं कि P रेखा AB को कौन कौन से भागों में डिवाइड करेगी? किस अनुपात में विभाजित करती है? नहीं सर, अभी बंद हुआ था। तो P रेखा AB को
वन इज टू टू भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो पी के निर्देशांक क्या होंगे, आपको विभाजन का नियम लगाना है। तो आप देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा वन और यहां पर आ जाएगा टू, तो वन इंटू माइनस टू प्लस टू इंटू फोर अपॉन वन प्लस टू। फिर इसी प्रकार से वन इंटू माइनस थ्री प्लस टू इंटू माइनस वन अपॉन वन प्लस टू। तो इसको सरल कर लेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार क्यू रेखा ए बी को 2:1 में विभाजित करती है, तो क्यू के निर्देशांक क्या होंगे, 2 इंटू माइनस टू, 1 इंटू फोर अपॉन 2 प्लस 1। इसके बाद आ जाएगा 2 इंटू माइनस थ्री, 1 इंटू माइनस वन अपॉन 2 प्लस 1। तो इसको सरल कर लेंगे तो आपको Q के निर्देशांक मिल जाएंगे, और इसको सिंपल करेंगे तो P के निर्देशांक मिल जाएंगे। इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बच्चे नोट कर लें। क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है कि यदि हमको दो बिंदु दिए हैं जिनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उनके बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करा चुके हैं, मूल बिंदु से दूरी यह हो जाएगी क्योंकि इसमें एक कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार यदि दो बिंदुओं के को जोड़ने वाले रेखाखंड को यदि एक पॉइंट m1:m2 में विभाजित करता है तो उस पॉइंट के निर्देशांक यह होंगे, इसको विभाजन सूत्र कहते हैं। और यदि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तो यहाँ m और m2 बराबर हो जाएंगे, तो हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमको इसमें दो बिंदु दिए हुए हैं, तो मान लेते हैं यह दो बिंदु हैं A और B। A के निर्देशांक है -3, 10 और B के निर्देशांक है 6, -8 और एक बिंदु P दिया है, P के निर्देशांक है -1 एंड 6। तो हम मान लेते हैं कि P बिंदु रेखा ए बी को के 1:1 में विभाजित करता है, क्लियर। तो ये के 1:1, क्लियर। तो अब हम विभाज सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र से। तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, के इंटू 6 प्लस 1 इंटू माइनस 3 अपॉन के प्लस 1। साथ में दिया हुआ है k इंटू -8 प्लस 1 इंटू अपॉन k प्लस 1। यह निर्देशांक किसके बराबर है, p
पी के निर्देशांक क्या दिए हुए माइनस वन एंड सिक्स। तो इसको हम सरल करके k का मान निकाल लेंगे, तो इसको सरल करिए तो 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल माइनस 1। तो इसको 6k माइनस 3 माइनस k माइनस 1, तो आप k को यहां ले आएंगे तो 6k प्लस k 3 माइनस 1 इक्वल 2, 7k इक्वल 2, तो k इक्वल 2 हो जाएगा 2 अपॉन 7 आंसर। क्लियर? तो इसका मतलब होता है हेंस P बिंदु रेखा AB को 2:7 में विभाजित करती। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहां पर AB एक वृत्त का व्यास है, AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है, C के निर्देशांक दिए हुए कितना दिए हुए 2 माइनस 3 और B के निर्देशांक दिए हुए 1 एंड 4। तो हमको A के निर्देशांक ज्ञात करना है, मान लेते हैं A के निर्देशांक X और Y। क्लियर? तो C जो है AB का मध्य बिंदु है, ठीक है? तो X प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल 2, Y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल माइनस 3। इसको आप सिंपल कर लें तो X इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 इक्वल 3 एंड Y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 इक्वल माइनस 10। तो A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, थ्री एंड माइनस 10, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।